नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ लाइव 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां हत्या के 10 घंटे बाद ही इलाकाई पुलिस ने खुलासा कर दो हत्या के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक रतछुरा बरामद किया है। मामला अमेठी के शिवगंज थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदी शाह तकिया मजरे अजातपुरा का है, जहां बीती रात एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद एसपी अमेठी राजेश कुमार ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु इलाकाई पुलिस को कड़े निर्देश दिए थे। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी सिरदनगंज ज्ञान शुक्र ने घटना के 10 घंटे के अंदर ही दो हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ तिलोई राजा कुमार सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की पत्नी से एक अभियुक्त का नाजायज संबंध था, जिसे कहने पर अभियुक्त ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज आगे की जाँच में जुट गयी है। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। कल 100 नंबर पर सूचना मिली थी के गुड्डू हैं, ये गुड्डू मोहम्मद जुनेद उर्फ गुड्डू, इनका शव खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना सिबरतनगंज की पुलिस तथा मैं स्वयं मौके पर देखा तो गुड्डू का शव सड़क के किनारे खेत में पड़ा हुआ था। सबको उलट पलट करके देखा गया तो गला रेत कर हत्या की गई थी और दो तीन जगह और छुरी मारी गई थी। सबको कब्जा पुलिस लिया गया, पंचनामा भरकर सबको पीएम के लिए भेज दिया गया है। मृतका की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 193/19 धारा 302/201 पंजीकृत कर लिया गया है। हत्यारों की तलाश के लिए हम लोगों ने दबिश टीमें गठित कर ली। दबिश टीमों का मेरे द्वारा नेतृत्व किया गया और आज 12 बजे दोपहर के लगभग गुड्डू की हत्या करने वाले रिजवान और राजू आरओ इन्होना, ये इन्होना कस्बे में बस अड्डे के पास भागने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किए गए। मौके जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया, हाँ हमने ही मोहम्मद जुनेद उर्फ गुड्डू सनौद खुर्शीद आरओ मोहम्मदी सातकिया की हत्या की है और हत्या में प्रयुक्त छुरी को पास के ही झाड़ियों में फेंक दिया है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज़।